हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स और भी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज है डे टू और आई एम रेडी। एंड चलिए पहले नीचे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन उसके बाद जाएंगे थोड़ी सी कोलकाता घूमेंगे। जो भी गा आई डेफिनेटली आई बी शेयरिंग विथ यू ऑल एंड इट्स वेरी हॉट। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं एंड वी स्टार्ट, लेट्स गो। ओह या एंड आई शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग, वो तो हमेशा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। कॉटन की है एंड पैंट्स है, यू नो, तो जो प्लाजो पैंट होता है ना, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर दिस ह्यूमिड एंड ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। दिस इज डाइनिंग हॉल। एंड हम लोग घूमते हुए दिन के समय पंडाल पे आए हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। रात में भीड़ की वजह से नहीं आ पाए थे बट अब एंड जैसे कि हम बोले कि रात में हम लोग यहाँ नहीं आ सके थे बिकॉज बहुत ही भीड़ थी, लेकिन दिन में हम लोग आए। अब दशहरा में कोलकाता और एंड पंडाल के दर्शन नहीं करो तो भाई कोलकाता आना तो बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो भी दशहरा में। तो इस पंडाल की खास बात यह क्या है ना कि इसमें जितने भी डेकोर्स हैं, जो भी व्हाटएवर आपको दिख रहा नज़र आ रहा है, इंक्लूडिंग मूर्ति, सारे वेस्ट मटेरियल से बने हैं। जो वेस्ट मटेरियल हम लोग घर में फेंक देते हैं लाइक बॉटल एंड प्लास्टिक्स एंड चम्मच एंड ये सब वेस्ट मटेरियल्स है ना, सब फेंकते हैं, उससे इन लोगों ने डेकोर किया था। वेरी फेमस वहाँ की। एंड अब आप लोग देखिए, दर्शन कीजिए देवी माँ की। हम जल्दी से क्लिक कर लिए एक फोटो भीड़ में। रात में आने का है, देखिए अच्छी स्टार्ट। बहुत अच्छे से दर्शन, अच्छा लग रहा है। ये दो कल एक पंडाल की रात में गए थे, आज से और अभी आ गए हैं एस्प्लेनेड और इस एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कहाँ तक है, पूरी स्ट्रीट है, बोथ वेज इधर है, इधर है, लंबी स्ट्रीट है। तो चलिए अब कोलकाता आए हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ आए तो चलिए थोड़ी सी इस तरह की शॉप भी घूम ले, लेट्स सी कुछ मिलता है या नहीं मिलता, बस ऐसे घूम लेते हैं। एंड देन सब जगह घूम रहे हैं थोड़ी बहुत शूट किए। यहाँ तो बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन सबको शूट करना बहुत मुश्किल होता है। आई टेल यू ऑनेस्टली कि ये सब जगह अगर आप आते हो ना तो शुड नॉट कम विद योर हस्बैंड बिकॉज दे हैव नो पेशेंस। जल्दी करो जल्दी करो, कहीं मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे तो हम थोड़ी बहुत यू नो हल्के, मतलब जितना आप लोग देख रहे हैं 1/4 समझिए कि उससे भी बहुत कम हम शूट किए हैं। और बहुत बड़ी मार्केट एंड एवरीथिंग्स मिल रहा है, एवरीथिंग्स उसमें जो भी थोड़ी बहुत चीज़ है ना वो सब शूट किया। तो ऐसी मार्केट आई टेल यू अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहिए। या टोटली आई एग्री, नॉट विद हस्बैंड, नो। ये बैग ले लिए
एक और लेना है, दूसरी बर्गर जाती है, बार्गेन हुआ ही नहीं। मैंने इतने अच्छे सलवार सूट्स वगैरह देखे तो आप मुझे भी ख़रीदना था एक तांत की, जो कोलकाता का फेमस होता है ना तांत की कपड़े का, था कि उसमें से कुर्ता लेंगे, लेकिन नहीं ख़रीद पाए। एंड काफ़ी देर घूमे हैं एंड रियली ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे सूट्स हैं, लेकिन हम सोचे थे कि तांत ही एक सलवार सूट लेंगे, अभी दशहरा है कुछ तो लेना बनता ही है, बट नहीं ले पाए। तो दीज आर द होल डे घूमे, पता है धीरे 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 करके काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को वहाँ। एंड देन घूमते घूमते लंच टाइम हो गया एंड वहाँ पे दिखा कोलकाता के फेमस केसी दास मिष्टी की शॉप, मिठाई की शॉप। आप कोलकाता आओ एंड केसी दास नहीं जाओ एंड वहाँ की मिष्टी नहीं खाओ तो इनकम्प्लीट है कोलकाता आना। तो वैरायटी ऑफ स्वीट्स है यहाँ पे, सिर्फ स्वीट्स ही है और इतने सारे स्वीट्स रेडी देखकर मज़ा आ गया, मतलब लगा कि या इतने वैरायटी के स्वीट्स भी होते हैं, बहुतों के नाम भी मुझे नहीं मालूम है और बहुत ही टेम्पटिंग है, तो कुछ तो लेना बनता ही है। लंच आवर हम लोग का हो गया था तो वी थॉट टू टेस्ट, तो हम लोग लिए कुछ घर के लिए भी लाना था गिफ्ट करने के लिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को खिलाने के लिए वो भी लाना था। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया मिष्टी, दोही, सोंदेश, रसगुल्ला एंड फिर बहुत मीठा मीठा हो रहा है, तो फिर इसमें एक समोसा ले लिए, चटनी ले लिए। हाँ इतने और ये जो पैकेट दिख रहा है रेड वाली, वो थोड़ी सी ले गए हैं वापस वहाँ जाने के लिए। एंड या इतने सारे हम अकेले नहीं खाए, हम मम्मी एंड माय हस्बैंड बोथ ऑफ अस शेयर, बिकॉज बहुत मिष्टी दही वगैरह हम लोग बहुत मीठा नहीं खा सकते। एंड नाउ टाइम इवनिंग हो गया, उसके बाद और भी कुछ कुछ शॉपिंग किए, वो हम आप लोगों को चलिए नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, हम नहीं शूट कर पाए। इवनिंग हो गया, टाइम फॉर आवर फ्लाइट टू रिटर्न बैक होम, तो नाउ एयरपोर्ट जा रहे हैं एंड टू रिटर्न होम। चेकिंग वगैरह करा के नाउ गोइंग फॉर लॉन्च, पूरी लॉन्च जा रहे हैं चाय कॉफ़ी के लिए। दिस इज इवनिंग, या थोड़ी सी फ्रेशन हो गया बाथरूम में जाके, एयर वगैरह कॉल किए, मिलते मिलते। आई जस्ट टुक ले वेरी लिटिल बिकॉज लंच में भी बस आप लोग का शेयर किए थे, वो स्वीट्स खाए थे और हाफ समोसा, तो थोड़ी सी लिए। बट देन आई टेल यू, कलकत्ता एयरपोर्ट की लॉन्च बहुत ही क्राउडेड रहता है, सो मेनी पीपल, ऑल द फूड इज़ ऐसा रहता है लॉन्च वगैरह में, बट इतनी क्राउड रहता है, इतनी क्राउड रहता है कि डोंट फील लाइक ईटिंग। मुझे खाना खाना पसंद एकदम शांति से, आई डोंट वॉन्ट टू मच हल्ला गुल्ला, लगता शांति से खाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन कोलकाता एयरपोर्ट। या एंड या लास्ट में दिस इज़ कैपेचिनो, ये तो आई विल हैव या डेफिनेटली, इवनिंग टाइम हो गया था तो कैपेचिनो लिए एंड इट वाज सो गुड, सो रिफ्रेशिंग, इसकी ज़रूरत होती है या स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या अगर आप एक मील स्किप भी करो तो रियली कॉफी चाय एंड ऑल दैट। एक सलवार सूट लिए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, इतनी भीड़ थी कि हम दिखा नहीं पाए, आप लोगों को मुंबई में दिखाते हैं क्या है। एंड द सारा शॉपिंग जस्ट 5:30 एंड सी कितना डार्क हो गया है, ईस्टर्न साइड है ना, इसे डॉट पर जाता है ऐसा, मुंबई इस समय बहुत सनी रहता है, इस समय तो हमें हिम्मत भी नहीं करते निकलने का। एंड नाउ ऑन द
वेट बोरिंग अच्छा है मुझे बस से ज़्यादा ये अच्छा लगता है एयरपोर्ट एंड नाउ आप लोगों को टाइम दिखा रहे हो ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 12 और ये हम वॉइस ओवर कर रहे हैं बिकॉज जब हम एडिट कर रहे तो एफर्ट की आवाज़ क्लियर ही नहीं है तो अभी वॉइस ओवर करके बता रहे कि सिंस जब हमारी प्लेन मुंबई पहुंची एंड इट वाज अबाउट टू लैंड बहुत ही हेवी रेन थी हेवी रेन एंड स्टॉर्म तो एक घंटे तो प्लेन हॉवर्ड ओवर मुंबई एंड ट्राई टू लैंड लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ टू मच विंड तो आवर फ्लाइट वॉज डाइवर्टेड टू अहमदाबाद गुजरात तो अभी हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट में हैं हम एयरपोर्ट में बैठे हैं फ्लाइट में ही बैठे हैं अंदर बाहर हम लोग निकलने की ज़रूरत नहीं हुई एंड उसके बाद वी स्टेड देयर फॉर 2 hours एंड रिफ्यूलिंग हुआ एंड सारे लोग यू नो यूट्यूब वगैरह में अलाउ किया कि आप अपने यूट्यूब देखिए यू कैन टर्न ऑन योर मोबाइल एंड फॉर एंटरटेनमेंट सब वही कर रहे हैं एंड यह बहुत ही टायरिंग हो गया वी वर अबाउट टू रीच हम लोग अगर टाइमली रहता तो हम लोग मैक्स बाय 21 hours हम लोग मुंबई पहुंच गए होते बंस ऑलरेडी 12 नाउ एंड नाउ टाइम दिखा रहे हैं 2:00 नाउ वी आर अबाउट टू फ्लाई बैक टू मुंबई 2:00 रात में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा उधर पहुँचने में आई डोंट नो नाउ बैक फ्रॉम देयर आप लोगों को दिखाते हैं टाइम 3:30 मॉर्निंग